सुमारा फिर यहाँ मेरी फरमाइश बना रही है पास्ता। और ये पास्ता जो है मैं कनाडा से लेकर आई थी, और साथ ये ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा मैं बनाकर खिला दूँ। पास्ता और कुछ रेडी हो गया है, मिक्स करके चूल्हा बंद कर देते हैं। शादी आप खा के बताना है सबने कि कैसा बना है। गाइस अम्मी से लेंगे रिव्यू। अम्मी ऑनेस्ट रिव्यू देना है आपने। बहुत मजे का भी आपने बनाया जी अम्मी, फिर तो अच्छा बनना ही था भाई। थैंक यू, बहुत मजे का। वेल गाइस, पास्ता खाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। होपफुली कुछ खुला हुआ हो, अल्लाह करे। क्योंकि आप लोगों को बताया था कि कल व्लॉग में कि यहाँ पे ईरान के सदर आ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ उन लोगों ने बंद किया हुआ, काफ़ी कुछ क्या ऑलमोस्ट आम तातील कर दिए कराची जैसे बड़े शहर में। तो टाइम कम है, मैंने एक पैक फाइनल कर दिया, बाकी मुझे पैकिंग फाइनल करनी है। तो मैंने जो चीज़ें ज़रूरत की है, मैंने देखा कि मुझे ये चाहिए, तो मैं वो जाके चीज़ें ले आऊँ। तो जो भी लूँगी आप लोगों को बताऊँगी। दुआ कीजिए कुछ खुला हो। लेट्स गो। माइटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो गाइस, कल हम लोग गए थे थोड़ा सा मार्केट नीचे, बट सब कुछ बंद था तो हम कुछ ले नहीं पाए और हम वापस आ गए। तो आज हम फिर से जा रहे हैं मार्केट, और मुझे शैल की पेयरसिंग भी करवानी है, और मैं सोच रही हूँ मैं अपनी भी ये सेंटर वाली पेयरसिंग होती है ये करवा लूँ। विल सी, अगर मेरी हिम्मत बनी तो पहले मैं शैल की करवाती हूँ, और अगर मैं शैल की देख पाई सह पाई तो फिर मैं शायद अपनी भी करवा लूँ, और शादी और बच्चों भी करवा रही हैं अपनी। तो चलते हैं आप लोगों को पेयरसिंग के लिए लेकर, ड्रेस चेंज करती हूँ, शैल को चेंज करवाती हूँ, वापस आती हूँ, आप लोगों को साथ लेके चलती हूँ। तो फिर हो जाए तैयार। गाइस, मैं यहाँ पे फुली रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। चलें जी, अब चलते हैं आप लोगों को साथ लेकर। गाइस, ये मेरी बेटी शैल है, जो कि कहीं भी जाने से पहले नमाज पढ़ती है। इन्होंने कहा जनमाज बिछाए, मैं नमाज पढ़ूँ, पढ़ लें नमाज बस। मेरे गाइस, हम निकलने वाले थे पर शैल को शौक आ गया कि वो नमाज पढ़ लें, तो जनमाज बिछा के, स्कर्ट पहन के, टोपी पहन के शैल नमाज पढ़ रही है बाकायदगी पूरे तरीके के साथ। चलें जी, पढ़ लें नमाज। उस तरफ बिछी हुई और सजदा इस तरफ कर रही है। चल, हम दूसरी तरफ नमाज पढ़नी है। गाइस, अब हम निकल रहे हैं फाइनली। अम्मी आ जाए, अम्मी आ जाए। फाइनली फाइनली वी आर लीविंग। मॉल पहुंच के आपसे मिलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं लकी वन। अम्मी ले लें। पहले मेरे ख्याल से हम लोगों को मिनी सो जाना चाहिए, यही डिसाइड करें कि शॉपिंग कहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ अम्मी जो है शेर को साथ लेके चल रही हैं। से हाय। गाइस, शेर और अबू यहाँ पर हैं, ये लोग डॉलर वर्ल्ड में चले गए हैं। मैं भी अंदर जाती हूँ, देखती हूँ कि काम की चीज़ मिलती नहीं मिलती। एवरीथिंग इज 280 रुपीज़ हेयर, सो लेट्स गो इनसाइड। मेरे बच्चों की चीज़ें हैं। देखिए रिंग्स की कलेक्शन है। अच्छा, इनके पास बर्तनों की भी काफ़ी ज़्यादा रेंज है। ये चाहिए मिलों को, एक ही ले लेते हैं। मैंने अभी उनसे पूछा, बट ही सेड उनके पास नहीं है, बट मुझे नज़र आ गया, थैंक गॉड। बाकी ये स्पंचेस वगैरह हैं। दे हैव लाइक सो मच वैरायटी हियर। Watch
यहाँ पे 50% ऑफ है। मम्मी मिरर में अपने आप को देख रही हैं और सादिया जो शेल को लेके भागने की कोशिश कर रही हैं। वेल गाइस, फिर हुआ ये कि शेल जो है शॉपिंग के शुरू में ही सो गई हैं। मैंने सिर्फ शेल के डायपर्स लिए हैं और कुछ जूसेस वगैरह लिए, छोटी मोटी चीज़ें। और नानी जो है ना बेहद ख्याल करते हुए, तो गाइस अब जाते हैं आउटफिटर्स में, कुछ तो शेल की चीज़ें देखती हूँ क्योंकि अब शेल सो चुकी है तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ें लूँगी और फिर घर की तरफ जाने की करेंगे, क्योंकि जब बच्चा सो जाए तो फिर मैं कंफर्टेबल एटलीस्ट नहीं होती। तो जल्दी से जो लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं। वेल गाइस, ये एक कॉफ़ी शॉप है, आई थिंक आई ऑफिस के सामने, मुझे बड़ी अच्छा लगा इसका लुक। अभी यहाँ से मैं कुछ आप लोगों को दिखा दिया जाए। मम्मी ने ये बोनांजा में पॉइंट देखा, मैंने कहा मेरी पिक्चर बना दें। खाना मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ और यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, गपशप पॉइंट चल रहा है। शेल जो है शी इज़ नॉट स्लीपी, शी इज़ टॉकिंग। वेल गाइस, ये सेल लगी हुई है सफ़ायर पे, इतना क्राउडेड था और इतना शोर था कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। आई डोंट नो, ऐसा लग रहा था मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं, बट इट वॉज रियली क्राउडेड। ये देखिए सफ़ायर पे कितनी लंबी लाइन है, यहाँ से लाइन शुरू है और ये थ्रू आउट सब लोग लाइन में लगे हैं। शेयर के लिए है मैंने प्लेन फ्राइज विदाउट सॉल्ट और एनी मसाला, ताकि शेयर की जो है ना वो बिल्कुल उसके लिए सोई पूछी है। ये मैं उसे बैठ के इन्जॉय कर रही हूँ। मामा कॉट की फ्राइज कुकी। ये देखें कितने रश में अम्मी ड्रेस देख रही है। मैं आपको प्राइस टैग दिखाऊंगी, ये है 11,000 का सूट है, इसमें 35% ऑफ है, अंदाजा बाकी आप सब खुद लगा सकते हैं। बट यहाँ रश कितना है। शेल बच्चों को देख के एंजॉय करिए। शेल 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 कह रही है अंदर जाना है वंडरलैंड में, बट शी इज टू यंग फॉर इनसाइड राइड। आई बिलीव मशहूर सा बेबी मेरा। वेल गाइस, शॉपिंग से थक हार के हम लोग यहाँ आए हैं देसी चाट पे। ये एक मस्ट गो प्लेस है अगर आप लकी वन जा रहे हैं। सो गाइस, ये ले लिए हैं मैंने 2 समोसे और कच्ची मिट्टी पानी पूरी। शेल जो है वो अबू के साथ आ रही हैं। अंकल ने आपको क्या दिए? ओके ओके ओके, शो मी योर इयर्स। ओके ओके अंकल, जस्ट टचिंग योर इयर। चल मम्मा को देखो। अच्छा, ओके, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। ठंडा कौन सा क्रीम है? मेरे पास है मेरा। अच्छा, आपको पास है, लाई आप? हाँ। मैंने कहा बाद में लगा दूंगी ना, बाद में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंपरेरी होता है। 1-2 मिनट।
आपको बात रखनी पड़ेगी पहले किया था जैसे भाई आराम से प्लीज। अरे बाबा कुछ भाई प्लीज आराम से। छोड़ दो। माशाल्लाह अंकल ने आपको क्या दिया। थैंक यू बोलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू वेलकम। अब इसकी शिकायत पीछे से सो बेटर से बिस्मिल्लाह मम्मा को स्लीप करना मम्मा के पास। अंकल आप देख लीजिएगा निशान भी थोड़ा सा। अच्छा 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 चलो छोड़ो हम जा रहे हैं। लेट्स गो। नहीं बाय बाय बाय। सबको बोलूं कितनी भादुर बेटी है मेरी। वेरी गुड वेरी गुड। लेट्स गो। ओके 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 हम जा रहे हैं। बाय बाय। वो पीछे वो भी डल गए। ऑटोमेटिक लॉक लग गया था। अच्छा चलें अब हम जा रहे हैं। आप चलें बाय बाय कर दें। सबको बाय बाय कर दें। बाय बाय। इजी हो गई। लेट्स गो चलें। हेलो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर। अब्बू अपने शूज़ उतारे और शैल जो हैं वो हमेशा की तरह साथ बैठ जाती हैं हेल्प करने के लिए। शैल शूज़ उतार लिए आपने? चलें गाइस मैं फ्रेशन अप होती हूँ फिर आप लोगों को शॉपिंग दिखाती हूँ। फ्राइडे का दिन है और अम्मी बना रही हैं लस्सी। कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हैं फ्राइडे को। मम्मी उस दिन हम पकड़ने वाला लाए थे ना वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। चल गाइस अपडेट ये है कि कल रात को हम घर आए और हम खाना पीना खा के सो गए। सॉरी मैंने कहा था मैं आप लोगों को घर जाके शॉपिंग दिखाती हूँ जो जो चीज़ें ली हैं पर मैं नहीं दिखा पाई। उसकी वजह यही है कि वो शैल की पेंटिंग करवाई फिर हम मॉल में घूमते रहे छोटी मोटी चीज़ें ली। तो वो उन चीज़ों में ना आप जब छोटी मोटी चीज़ें जो आपने लेनी होती है ना उसमें आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अगर आपने मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी हो तो आप इतना थकते नहीं है। एनीवेज मैं क्या क्या लेकर आई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ और मुझे पता है ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। मैं इस ब्लॉग को जल्दी से आप लोगों को चीज़ें दिखा के एंड करती हूँ ताकि नए ब्लॉग में आप लोगों को नई चीज़ें दिखा सकूँ। तो मैंने बड़ी छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी जो मैंने ली हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा थी। लाइक मुझे फूड कलर चाहिए था। इसके अलावा मुझे शैल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी लाइक डायपर वाइप्स वो चीज़ें ली हैं। इसके अलावा मैंने शैल के ड्रेस लिए हैं। आउटफिट से थोड़ी सी शॉपिंग की है। बहुत प्यारी लगी मुझे ये शर्ट तो मैंने एक ये शर्ट ली है शैल के लिए। इसके अलावा मैंने शैल के लिए एक ये वाली शर्ट ली है और शैल के लिए मैंने एक पैंट ली है जो कि मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद आई है क्योंकि स्ट्रेचेबल है इसमें रबर है आप देख सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें मैंने शेयर के लिए ली हैं पर बड़ी घूम घूम कर क्योंकि जब बच्चों की आप शॉपिंग कर रहे होते हैं ना तो आपको चीज़ें बड़ी देख सुन समझ के कि साइज़ भी सही हो उनको थोड़ा टाइम चल भी जाए। इसके अलावा मैंने अपने लिए अपनी ज़ात के लिए सिर्फ एक सूट लिया है। एंड हारे सॉरी मैं आपके लिए कुछ नहीं ले सकी क्योंकि इतना रश था। मैंने दिखाया भी है वीडियो में कि सफायर में मेरा मूड था मैं जाऊँ और डिफरेंट ब्रांड्स पर जाऊँ पर सेल लगी हुई है तो इट वॉज़ क्रेजी सेल और बहुत रश था। मैंने अपने लिए एक लाइम लाइट का ये सूट लिया है। आप लोगों को पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि पिक्चर से आप लोगों को आइडिया हो जाए। सही है। सो इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। ये देखिए मैं आप लोगों को ओढ़ के दिखाते हैं। इसको साइड पर रखती हूँ। ये सूट मैंने सिर्फ दुपट्टे की वजह से लिया है। तो शर्ट भी अच्छी है पूरा ड्रेस ओवरऑल बहुत अच्छा है और इसके दुपट्टे की तो बात ही हो रही है। देखिए मुझ पर अच्छा लग रहा है जो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये शर्ट का प्रिंट है मैं आपको इस तरह रख के दिखाती हूँ। मुझे ना वाइट और थोड़ा सा मिक्स कलर में चाहिए था ड्रेस। ये देखिए अच्छा
अच्छा लग रहा है ना, जरूर मुझे बताइएगा। सो गाइस, मैंने दराज से एक पार्सल मंगवाया था, आप लोगों के सामने अनबॉक्स करते हैं इसे भी। लेट्स डू इट। तो मैंने कुछ अपनी प्यारी सी बेटी शैल के लिए सूट मंगवाए थे, आप लोगों के सामने खोल के देखते हैं क्वालिटी कैसी है। अच्छा, ये मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड मिले थे, मैंने इसलिए मंगवा लिए। ये एक शर्ट है क्योंकि समर के हवाले से, ये इसका शॉर्ट है, समर के हवाले से मैंने मंगवा लिया। मुझे दराज पे तकरीबन कोई, अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक भी डाल दूँगी, 700 के मिले, तो नॉट बैड घर में पहनने के लिए। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, एक स्वेट पैंट के साथ स्वेट शर्ट। देखिए क्वालिटी तो डेफिनेटली मैं यूज़ करने के बाद ही आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगी। दिखने में तो अच्छी लग रही है, मिनी बॉस। तो ये मैंने एक विंटर के हवाले से मंगवा लिया शेयर के लिए। इसके अलावा एक ये ड्रेस है। एक बात मैं कहूँगी, जो कलर मुझे नज़र आ रहे थे दराज के वेबसाइट पर, वो कलर्स नहीं है, क्योंकि मैं इतना शॉकिंग पिंक कभी नहीं मंगवाऊंगी अपनी बेटी के लिए, बट कलर्स में डिफरेंस है थोड़ा। ठीक है, एक ये हो गया और एक चौथा सूट जो ये हो गया। क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन नहीं है, आई वुड से इट्स ओके। ये शॉर्ट है और इसकी ये शर्ट है। ईद मुबारक, मैं सोचा बड़ी ईद पे पहना दूंगी कैनेडा जाके। वो जब बच्चा भारी कपड़े पहन के थक हार जाता है ना, तो उसके बाद शैल का लास्ट टाइम भी ऐसे ही होता कि कुछ हल्का सा पहना दूँ। तो मैंने सोचा कि जो शैल को हैवी ड्रेस पहनाऊंगी, हम लोग नमाज वगैरह पढ़ कर आएंगे कुर्बानी वगैरह के बाद, मैं शैल को लाइट सा ये ड्रेस पहना दूंगी। इसलिए मैंने ये, जब मुझे अच्छा लगा तो मेरे माइंड में ये चीज़ क्लिक हुई, इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया। तो ये थी ओवरऑल शॉपिंग, और अब इसकी पैकिंग भी करेंगे, और पैकिंग करते हुए मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। ये थी मेरी शॉपिंग जो कि कल हमने की, और पेयरसिंग की। आपने देखा शैल माशाल्लाह इतनी बहादुर है, मेरी हिम्मत तो नहीं बनी कि शैल को देखने के बाद भी कि मैं अपनी पेयरसिंग करवा सकूँ। एनीवेज देखेंगे, कोशिश करूंगी, अभी मेरे जाने में 4 दिन बाकी हैं, तो अगर हिम्मत हुई तो मैं पेयरसिंग करवा लूंगी। एनीवेज गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।